है रानी बैरागी, आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। कलेक्टर ने आतिशबाजी दुकानों को आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित करने और सामग्री की जांच के लिए संयुक्त दल का गठन किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आने वाले समय में दशहरा और दीपावली पर्व के दौरान जन सुरक्षा की दृष्टि से फटाका सामग्री के क्रय विक्रय और संग्रहण की जांच और जन सुरक्षा हेतु आतिशबाजी फटाका दुकानों को आबादी क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित करने के लिए अनुभाग स्तर पर संयुक्त दल का गठन किया है। सभी अनुभागों में संयुक्त दल में अनुविभागीय दंडाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक या अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी और थाना प्रभारी होंगे। एडीएम संतोष टेगो ने बताया है कि ये टीम अपने अपने कार्यक्षेत्र में स्थित फटाका, आतिशबाजी और अन्य समस्त प्रकार की विस्फोटक सामग्री के सभी स्थायी अस्थायी लाइसेंसी के प्रतिष्ठानों की संयुक्त जांच कर 7 दिवस में संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक लाइसेंस वाले दुकानदार आबादी क्षेत्र में स्वीकृत अपनी दुकानों में केवल फटाकों के सैंपल प्रदर्शित कर ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं और उनके द्वारा फटाकों का संग्रहण और प्रदाय आबादी क्षेत्र में के बाहर स्थित गोडाउन से किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि किसी लाइसेंसी द्वारा आबादी क्षेत्र में फटाकों का संग्रहण और विक्रय करना पाया जाता है तो सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की गतिविधि पर तत्काल प्रतिबंध लगाकर विस्फोटक सामग्री के संग्रहण और विक्रय को आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करवाना संयुक्त दल सुनिश्चित करेंगे। यदि जांच दल जांच कार्यवाही में कोई अनियमितता पाता है तो दल त्रुटिकर्ता के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। बाइट एडीएम संतोष टेगोर के निर्देश प्राप्त हुए हैं जो विस्फोटक विभाग के, उसके अंतर्गत ये निर्देश है कि अनुभाग स्तर पर हमारे एसडीएम, वहाँ के सीएसपी या एसडीओपी जो उपलब्ध है, उसके अलावा वहाँ के तहसीलदार के साथ में इन स्थलों का निरीक्षण करना है जहाँ पर गोडाउन है या जहाँ पर भंडारण की क्षमता की जाती है, उन चीज़ों के निरीक्षण हेतु हम लोगों ने निर्देशित किया है और इसका प्रतिवेदन 7 दिवस में चाहा गया है। उसमें इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो गोडाउन स्थल है वो जो सार्वजनिक स्थानों के नज़दीक न हो, इन चीज़ों को विशेष रूप से देखना और इसके अलावा फायर के संसाधन वहाँ पर्याप्त है अथवा नहीं है, इन चीज़ों को सुनिश्चित करना है।